फ्रेंड्स नमस्ते, मैं डॉक्टर जयंत, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम एक गायनेकोमास्टिया सर्जरी करेंगे। ये जो फ्रेंड हमारा आए हैं, हम लोग देख सकते हैं इनका ग्रेड 2B गायनेकोमास्टिया है, लगभग ग्रेड 3 का ही आसपास है। तो ये जो स्तन का टिश्यू बढ़ गया है या गायनेकोमास्टिया हुआ है, थोड़ा सा घूम जाइए, ये जो बढ़ गया है ये देखने में खराब लगता है, एक सोशल एम्बेरसमेंट है, तो इसके लिए इनका सर्जरी करना है। तो हम अंडर लोकल एनेस्थेसिया करेंगे। तो चेस्ट में दो चीज रहता है, एक है ये मसल पेक्टोरिस मेजर मसल, और एक है स्तन या ब्रेस्ट टिश्यू। तो मसल को प्रोमिनेंट करना है, ये स्तन टिश्यू को हटाना है। तो हम लोग मार्किंग करेंगे, दोनों टिश्यू का मार्किंग करेंगे, मसल का भी मार्किंग करेंगे, इस टिश्यू का भी मार्किंग करेंगे, फिर सर्जरी करेंगे अंडर टिमिसेंट एनेस्थेसिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये है पेक्टोरिस मेजर मसल, हमने मसल का मार्किंग किया और ये स्तन का भी मार्किंग किया। ये मसल प्रोमिनेंट होगा या ये ब्रेस्ट या स्तन हट जाएगा, ये हमारा मार्किंग है। तो अभी हम उनको ओटी में शिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पेशेंट को सुला दिया है और हम अभी टिमिसेंट एनेस्थेसिया डालेंगे। टिमिसेंट फ्लूइड जो है उसमें सून करने का दवाई रहता है, ब्लड ब्लीडिंग नहीं होगा ऐसा दवाई रहता है, ब्लीडिंग रुकने वाला या ब्लीडिंग को बंद करने वाला दवाई रहते हैं। और जो दवाई रहता है उसमें चर्बी को गला देते हैं। तो ये तीनों दवाई का मिक्सन होता है ये टिमिसेंट फ्लूइड, उसको अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो मशीन है, इस मशीन से हम लोग पेशेंट को मॉनिटर कर रहा है, उनका पल्स सेचुरेशन प्रेशर सब कुछ हम लोग मॉनिटर कर रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था ही है, डिफिब्रिलेटर मशीन से इमरजेंसी का सारी सामान हमारे पास है। तो सारी प्रस्तुति लेकर हम लोग सर्जरी शुरू कर रहे हैं। हम लोग एरियोला में कोट डाले हैं, कोट मतलब जहाँ से टिमिसेंट डालते हैं, इधर से टिमिसेंट भी डालेंगे, इधर से लाइकोसक्शन भी करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम टिमिसेंट डालते हैं। ये टिमिसेंट डालने के टाइम पे हल्का सा दर्द होता है, जो कि कोई भी अडल्ट पेशेंट सहन सकते हैं। हमारा जो फ्रेंड है उनसे एक बार पूछ लेते हैं उनका कितना दर्द हो रहा है, वो सहन पा रहा है कि नहीं। भाई आपको कितना दर्द हो रहा है? थोड़ा सहन पा रहा है कि नहीं? ठीक है ना, ठीक। एक बार ये टिमिसेंट फ्लूइड चला गया तो पूरा स्तन या ब्रेस्ट सून हो जाएगा। उसके बाद हम लाइकोसक्शन करेंगे, ग्लैंड रिमूवल करेंगे और जो प्रक्रिया करेंगे वो आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। तो ये इन्फिल्ट्रेशन कैनुला है, देखिए ये सामने छेदा है, इससे क्या है ना, लाइकोसक्शन करेंगे, पूरा चर्बी मशीन के अंदर जाके जमा होगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे लाइकोसक्शन करते हैं। और ये सुन हो गया दोनों छाती, और इसमें चर्बी भी देखिए गल गया है। और हम पेशेंट को भी पूछ लेंगे उनको कोई दर्द या परेशानी हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग लाइकोसक्शन कर रहे हैं, ऐसे लाइकोसक्शन करते हैं। कोई दर्द तो नहीं है? नहीं 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 है ना, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं ये चर्बी है, देखिए येलोइश कलर की है, ये कैनुला के द्वारा बाहर आ रहा है और जाके सक्शन मशीन में जमा होगा। ये लाइकोसक्शन करने के बाद ग्लैंड को निकालेंगे, फिर अंदर ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, फिर ड्रेन डालेंगे और फिर आगे आगे जो होगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग का सर्जरी कंप्लीट हुआ है, दोनों साइड का लाइकोसक्शन किया। और देखिए ये इतना ग्लैंड निकला, ये लेफ्ट साइड का ग्लैंड है और ये राइट साइड का ग्लैंड है, इतना ग्लैंड था, ग्लैंड भी निकल गया, चर्बी भी निकल गया। और हम देखिए उनका एरियोला में स्टिच डाले हैं, ये स्टिच को 21 दिन बाद निकलना है। और क्योंकि हम एरियोला के अंदर डाले हैं इसका कोई निशान नहीं रहेगा। दोनों साइड में हम लोग ड्रेन डाले हैं, ये ड्रेन डालने का कारण है कि इसमें हेमाटोमा नहीं होगा, खून नहीं जमेगा, सेरोमा नहीं बनेगा। इस ड्रेन को आज शाम को या कल मॉर्निंग को हम लोग निकाल देंगे। तो हमारा सर्जरी कंप्लीट हुआ, इस फ्रेंड को हम लोग उनको प्रेशर गारमेंट पहना देंगे और उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो इनसे बात पूछ लेते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है। भाई ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ठीक। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आज एक दिन हुआ है इनका गायनेकोमास्टिया सर्जरी हुआ है। एक दिन पहले हम इनका गायनेकोमास्टिया सर्जरी किया था, हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा सा रिजल्ट आया है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है चेस्ट, एकदम फ्लैट हो गया है। एक दिन बाद की रिजल्ट ये है। तो हम उनको ड्रेसिंग कर दिया, आज सेकेंड डे है, आज हम उनको छुट्टी कर देंगे और उनको पोस्टऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो मैं डॉक्टर जैन, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, मैं रेगुलरली गायनेकोमास्टिया सर्जरी करता हूँ। अगर आप लोगों को गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका छाती का फोटो भेजिएगा, मैं फोटो देख के आपको कौन सा ग्रेड है, कितना खर्चा पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल सबको बता दूंगा। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।